शिफ्ट तो भाई एक्चुअली जो है आज मुझे तीन शिफ्ट मिली हुई थी आई होप सारे भाई बढ़िया होंगे। तो भाई आज का जो व्लॉग है वो है कि तुम्हारे भाई को एक नया काम मिला है, ठीक है, पर ये काम जो है थोड़ा अजीब सा है, मतलब अजीब भी क्या बोले, मतलब जो काम है तो काम है, काम करने आया तो काम करना पड़ेगा। भाई आज तुम्हारे भाई को नया काम मिला है तो अभी मैं अपने काम पर जा रहा हूँ और मैं आपको बताऊँगा वो काम क्या है, मतलब क्या क्या मुझे करना होता है उस काम पर। बेसिकली आपने थंबनेल देख के आपको मालूम तो चल ही गया होगा कि जो मेरा ये जो नया काम है ये काम पे क्या करना है, ये स्टॉप का साइन लेके रोड क्रॉसिंग करानी है मेरे को, मतलब पेडिस्ट्रियन हो गए, स्कूल के बच्चे हो गए, उनको जो है ना रोड क्रॉस करवाना है, ठीक है। तो वही है कि मेरे पास एक स्टॉप का साइन होएगा तो मैं सारा कुछ आपको इस ब्लॉग में बताऊँगा कि भाई मैं कैसे हायर हुआ इसमें और क्या क्या इनके डॉक्यूमेंटेशन थे, अभी हायरिंग चल रही है नहीं चल रही, सारा कुछ मैं आपको इस ब्लॉग में बताऊँगा। तो भाई विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट दिस ब्लॉग। तो भाई एक्चुअली जो है आज मुझे तीन शिफ्ट मिली हुई थी, पर तीन शिफ्ट में तो भाई अभी क्या सीन है कि आज जो है ना है, आज मेरी तीन शिफ्ट हैं इसकी, मतलब ये जो है ना पार्ट टाइम वालों के लिए ना बहुत अच्छी जॉब है भाई, जिनको जो बच्चे जो है 20 घंटे वाले हैं ना, जिनको सिर्फ 20 घंटे अलाउ होता है कि काम करने के लिए, भाई उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है ये। तो भाई इसमें हायरिंग वगैरह मैं आपको बताता हूँ कि हायरिंग चल रही नहीं चल रही, मैं ना डिस्क्रिप्शन में उस बंदे का नंबर प्लस लोकेशन दोनों कर दूंगा, अगर कॉल वो पिक ना करे तो आप उस लोकेशन पे पहुँच जाना सुबह 9 बजे, क्योंकि सुबह 9 बजे से ना ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो आज जो है ना मेरी आज मेरी तीन शिफ्टें थी, एक थी भाई सुबह 7:10 से लेके 9:05 तक थी, और दूसरी शिफ्ट जो है मेरी 10:50 से लेके 11-12 बजे तक है, कुछ पता नहीं क्या सीन है, मैं अभी ऐप खोल के देखूंगा। और तीसरी शिफ्ट भी है, और वो जो है टोटल जो है 4-4:30 बजे तक की शिफ्ट है। और अगर मैं इसकी पे की बात करूँ भाई तो $17.50 जो है ना इसकी पे है। और अब मैं आपको बताऊँ कि भाई हायरिंग वगैरह का क्या प्रोसेस था, तो भाई हायरिंग वगैरह का क्या प्रोसेस था, भाई मैंने ना इंडीड के थ्रू अप्लाई किया था, सिनर्जी सिक्योरिटी करके है, जो जो जानते होंगे उनको मालूम होगा, ठीक है। भाई मैंने अप्लाई किया था, मेरे पास आ गया अचानक से कॉल एक दिन, तो कहते कि आपने अप्लाई करा था, क्योंकि भाई मैं ऐसे ना रैंडमली किसी में भी अप्लाई कर देता हूँ, अगर हायरिंग होना होगा हो जाऊँगा, ठीक है भाई। तो तुम्हारे भाई की किस्मत अच्छी थी, और सही में इसमें हायरिंग चल रही है अभी, ठीक है। जिनको जिनको हायर होना है तो मैं उनको नीचे वो डिस्क्रिप्शन पे मैंने दे दिया है, वहाँ कॉल भी कर लो और वॉक इन होके भी आ जाओ अपना रिज्यूमे लेके। और इसमें ना सिक्योरिटी लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है, कहीं आप सोच रहे हो सिक्योरिटी लाइसेंस बनाना पड़ेगा, नहीं, बिना सिक्योरिटी लाइसेंस वाले भी जा सकते हैं इसमें। और अब मैं आपको बात करूँ कि भाई हाँ कि कॉल आ गया था उनका हमारे पास, फिर वो कह रहे थे भाई आ जाओ आपका इंटरव्यू ट्रेनिंग जो भी है सारा कुछ लेंगे। तो भाई मैं गया वहाँ पर तो उन्होंने कहा कि अपना रिज्यूमे, तो रिज्यूमे दिया तुम्हारे भाई ने। तो ये जो हायरिंग है ना, ये हायरिंग ना स्कारब्रो साइड की है सारी, ठीक है। स्कारब्रो हो गया, डैनफोर्थ हो गया, मेन स्ट्रीट, विक्टोरिया स्टेशन, जिन जिनको मालूम है उनको उनके लिए बता रहा हूँ मैं। तो ये हायरिंग जो है ना इस साइड की है, ब्रैम्पटन साइड की हायरिंग नहीं है ये, ठीक है। अगर आप अपना ब्रैम्पटन साइड का लोकेशन बताओगे ना उसको, वो मना कर देंगे, वो सिर्फ यहाँ स्कारब्रो साइड जो क्रॉसिंग करानी होती है ना उनके लिए हायरिंग है ये, ठीक है, रोड क्रॉसिंग करानी होती है। तो भाई तुम्हारा भाई गया वहाँ पे, तो तुम्हारे भाई से उन्होंने पूछा कि पहले कोई एक्सपीरियंस है, तो तुम्हारे भाई ने कह दिया हाँ भाई है एक्सपीरियंस वगैरह। तो क्या करा उन्होंने, कुछ डॉक्यूमेंटेशन के लिए हमारे से फॉर्म भरवाए कि भाई इतनी पे मिलेगी, इतना सब कुछ है, आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। तो ट्रेनिंग हुई हमारी उसके बाद फॉर्म फिलअप वगैरह करने के बाद, और उन्होंने कुछ हमसे सर्टिफिकेशन मांगी कि तुम्हारे पास ये सर्टिफिकेशन है या नहीं है। वो जो है सारी सर्टिफिकेशन मैंने अपने रिज्यूमे में भी ऐड कर रखी है पहले से ऑलरेडी, जो मैंने आपको बताया हुआ है कि भाई ये सर्टिफिकेशन हर जगह मांगते हैं, तो इसलिए पहले ही बनवा के रख लो, ठीक है। तो जो सर्टिफिकेशन थी वो कुछ ऐसी थी, AODS सर्टिफिकेट और वर्ल्ड सेफ्टी फोर्स स्टेप करके जो है, मैं उनका भी सारा 4-5 जो भी है वो भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और फिर वो जो है सारा हमने डॉक्यूमेंटेशन फिल करा, उन्होंने हमारी आइडेंटिटी वगैरह मांगी, तो तुम्हारे भाई ने G1 का लाइसेंस पकड़ा दिया, G1 का लाइसेंस वगैरह पकड़ा के
फिर उन्होंने ना हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी। तो भाई ट्रेनिंग के भी पैसे मिलते हैं, ऐसा मत सोचना कि ट्रेनिंग के पैसे नहीं मिलते, ट्रेनिंग के भी पैसे मिलते हैं। और जो हमारी ट्रेनिंग थी वो सुबह 10 बजे से लेके शाम के 4-5 बजे तक ट्रेनिंग हुई इन क्लास। उसमें हमें सारा कुछ समझाया कि ये सीन होता है तो तुम्हें इस सीन में क्या करना है, तुम्हारी कोई कंप्लेन कर दे, ये कर दे, वो कर दे, मतलब सारे रूल रेगुलेशन जो है ना उन्होंने हमें समझाया। और उसके बाद क्या कहते हैं, उन्होंने पेपू की बात करी और उन्होंने हमें ऐसे जैसे रोड है ना रोड पे ले जाके हमारी ट्रेनिंग भी कराई कि भाई अब एक बार ट्रायल कर लेते हैं भाई कि इन पर्सन क्लास में और बाहर प्रैक्टिकल में बहुत फ़र्क होता है। तो रोड पे ले जाके हमें हमारा टेस्ट भी करा उन्होंने, तो भाई तुम्हारा भाई पास हो गया पहले स्टेप में ही, तो फायर वगैरह हो गया। उन्होंने हमें जो एक स्टॉप का साइन दे रखा, ठीक है, स्टॉप का साइन और एक चेस्ट वेस्ट सी जो भी होती है वो दे रखा है। और ये जो काम है ना इसको ज़्यादा हार्ड नहीं है, ज़्यादा देर खड़े होने की ज़रूरत नहीं है इसमें। इसमें बस क्या है कि मतलब अभी जाऊँगा 2 घंटे काम करूँगा, 2 घंटे काम करने के बाद फिर 2 घंटे का ब्रेक, फिर 2 घंटे काम, फिर 2 घंटे का ब्रेक, फिर 2 घंटे का काम, फिर 2 घंटे का ब्रेक। इसमें जो है ना इसमें भाई घंटे वाइज जो है पे नहीं होता, इसमें होता है शिफ्ट वाइज, क्योंकि 2 घंटे की होती है, ठीक है। तो अगर इसमें आप एक दिन में तीनों शिफ्ट लगाओगे ना, मतलब 2-2 घंटे की 3 शिफ्ट होती है, आप अगर तीनों शिफ्ट लगाओ आपके जो है ना $90 बन जाएंगे, तो एक हिसाब से ना पार्ट टाइम वालों के लिए भाई बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। तो भाई मैं तो कहूँगा कि भाई सारे भाई जो है इसमें अप्लाई कर दो, ठीक है। अभी सही में हायरिंग चल रही है, मैंने भी काफ़ी बंदे लगवा दिए इसमें। तो मैं इसका जो है सारा कुछ जो है मैंने बता दिया आपको कि डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जल्दी से डिस्क्रिप्शन में जाओ और भाई जल्दी जल्दी अप्लाई करो, कहीं आप चांस ना मिस कर दो, बम्पर हायरिंग चल रही है ब्रो। और अभी मैं आपको अपना काम दिखाऊंगा कि मैं वहाँ जाके मेरे को क्या करना है, मेरे बैग में वो पड़ा हुआ है सारा कुछ स्टॉप का साइन और वेस्ट वगैरह। तो अभी चलते हैं वहाँ पे और अपनी लोकेशन पे, अपने ऐप वगैरह मिली हुई है, ऐप में ऑटोमेटिक वो आ जाता है कि भाई आप लोकेशन पे पहुँचे हो नहीं पहुँचे, वो सारा कुछ डिटेक्ट कर लेता है, ठीक है। तो ऐप में जाके हमें लॉगिन करना है वहाँ पे और अपनी ड्यूटी स्टार्ट करनी है। सारा कुछ मैं आपको वहाँ जाके दिखाऊंगा, मैं अभी बस का वेट कर रहा हूँ। तो भाई ये आ गई है लोकेशन, हाय सॉरी। तो ऐप में तो ये लोकेशन शो कर रही है, शायद मेरे को ऐसी लाइब्रेरी है यहाँ, मेरे को यहाँ रोड क्रॉसिंग करानी है मेरे को। तो अभी देखते हैं क्या सीन है। बड़ा काम नहीं है ये, ज़्यादा ना ज़्यादा हार्ड काम है, छोटा सा काम है कि लोगों को रोड क्रॉस कराना है। ये एड्रेस दे रखी है, ये दे रखा है और 17:30 पे है। तो भाई हायरिंग चल रही है दबके, तो जल्दी से हायर हो जाओ, ये वाली सिक्योरिटी है, ठीक है। और कोई हेल्प चाहिए हो मेरे रिलेटेड तो भाई मेरा इंस्टाग्राम का जो लिंक वगैरह वो सारा कुछ डिस्क्रिप्शन में होगा, मुझे कॉन्टैक्ट करो। भाई जो काम है, काम कभी कोई छोटा बड़ा नहीं होता। तो भाई मैं ये कहूँगा कि भाई शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है भाई। अगर भगवान ने यहाँ तक पहुँचा दिया ना तो भाई भगवान आगे भी आपको पहुँचाएगा, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ों से आगे बढ़ते हैं भाई, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। पहले पहले भाई मुझे भी लग रहा था थोड़ा अजीब कि भाई क्या चीज़ है ये, कैसे करेंगे, किसी ने देख लिया रोड पे कोई बेइज्जती उड़ाएगा, नहीं भाई, ठीक है। इससे भाई आपका ही फ़ायदा है, ठीक है, आपको ही एक्सपीरियंस मिलेगा भाई, आप ही कल को आगे बढ़ोगे। इसलिए कहूँगा भाई जो काम मिल रहा है ना भाई कर लो, ठीक है, चाहे वो रोड क्रॉसिंग का हो, चाहे वो भाई जिस मर्जी का हो। तो भाई शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है भाई, अपना काम करो, रच के कॉलेज की फ़ीस निकालो, ठीक है। आज ये वाला काम कर रहे हो, कर रहे हो और अच्छा काम करोगे। वैसे कोई काम अच्छा बुरा नहीं होता, सब आपके सोच के ऊपर है, ठीक है भाई। तो मैं कहूँगा भाई जल्दी से जल्दी हायर हो जाओ इसमें, हायर होने के बाद मुझे ज़रूर बताना कि भाई राज भाई मैं आपकी मदद से हायर हो गया, कुछ ऐसा मेरे को मोटिवेशन मिलती है। तो भाई बंदे मेरे से पूछ रहे हैं आप एक साथ इतना काम कैसे कर रहे हो। भाई मैं एक साथ इतना कोई काम नहीं कर रहा ना, कोई भाई मैं मशीन हूँ जो इतना सारा काम कर लूँ भाई,
वही बात होती है कि भाई मैनेज करना, क्योंकि भाई मेरा कॉलेज ही 3 दिन है तो मैं काम ही नहीं कर सकता भाई इतना, ठीक है, और वो 3 दिन भी पूरा वेस्ट हो जाता है कॉलेज में, तो काम तो मैं कर ही नहीं सकता भाई। तो भाई मैं कह रहा था कि मैं अप्लाई कर देता हूँ भाई हर जगह, ठीक है, और अभी जो है अभी क्या कहते हैं मैं इतना काम कर नहीं सकता, ठीक है, तो पार्ट टाइम चल रहा है भाई मेरा ये काम ना, मतलब ये मेरे को एक वीक में 12 घंटे देती है, 12 आवर्स भी पूरे नहीं देती भाई, 11 घंटे देती है, और उसमें से मैंने एक आधी शिफ्ट मिस ही कर देता हूँ भाई मैं तो, मतलब एक ये जो है ना मेरा, ये मेरा घर खर्चा निकाल देता है, घर में जो जैसे रेंट हो गया, जैसे ग्रोसरी हो गया, वो निकाल देता है और बाकी मेरी सेविंग्स हो जाती है, ठीक है, तो इसका ज़्यादा मेरा इतना है नहीं, पर ये है कि भाई इसमें ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता, 2-2 घंटे का ब्रेक है तो ठीक चल जाता है काम मेरा, ठीक है। तो और जिसको मतलब जो बच्चे 20 घंटे एलिजिबल है उनके लिए तो भाई बेस्ट है, बहुत बढ़िया है, तो भाई अप्लाई करो जल्दी। तो भाई एक चीज़ और कह रहा था मैं भाई, जैसे जो बंदे कह रहे हैं ना भाई जॉब नहीं है, काम नहीं है, भाई मैं बताऊंगा इससे अच्छा टाइम और कोई नहीं है भाई काम मिलने का। इस टाइम भाई बहुत जॉब्स ओपन हुई हैं, बहुत काम ओपन हुए हैं भाई। प्रॉब्लम ये है भाई, बंदे ना मतलब एक होता है दिल से ढूंढना, ढूंढ नहीं रहे भाई। मैं आपको ना तरीके, मैंने एक वीडियो बना रखी है भाई हाउ टू फाइंड जॉब, आप भाई वो जाके चेक करो, मैं आई बटन में लिंक भी डाल दूंगा। और भाई मैं क्या सोच रहा हूँ भाई, अगर मैं ये सही सोच रहा हूँ तो प्लीज़ भाई कमेंट करके ज़रूर बताना भाई। मैं सोच रहा हूँ कि ना मैं एक व्हाट्सएप का ग्रुप बना लूँ, ठीक है, व्हाट्सएप का ग्रुप बना लूँ, उसमें भाई जो भी जॉब्स मेरे को लगेंगी, जो आई हैं, जिन जो आपके काबिल हैं, जो आपको हेल्प कर सकती हैं जॉब्स, तो वो भाई मैं उस ग्रुप में पोस्ट कर दिया करूँगा। क्योंकि भाई सारे बच्चे मुझे इंस्टा पे फॉलो तो नहीं करते, मतलब करते हैं 60% 40% जितने भी हैं करते हैं, तो भाई मैं सोच रहा हूँ एक व्हाट्सएप का ग्रुप बना लूँ, उस ग्रुप में भाई आप सबको अगर ऐड होना है तो मैं उस ग्रुप का जो लिंक है वो ये व्हाट्सएप ये यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो भाई जिसको ज्वाइन होना है उस ग्रुप में वो ज्वाइन होए, तो मैं उसमें डेली अपडेट रहूँगा और डेली जो है उसमें जॉब्स के रिलेटेड ऐड वगैरह जो भी है ओपन हुई है उसकी मैं पाता रहूँगा, तो इससे आपकी भी हेल्प होगी और आगे आप भी किसी की हेल्प करोगे। तो भाई अगर मैं ये सही सोच रहा हूँ तो प्लीज़ भाई कमेंट करके बताना कि भाई हाँ भाई बनाओ व्हाट्सएप का ग्रुप। और जो मेरा पहले का काम था जैसे अलाइड यूनिवर्सल, वो सब जो है भाई टेम्प्रेरी है, CNE प्रोग्राम हुआ था अभी उसके लिए हायर किया था, कोई परमानेंट काम यहाँ मिल नहीं रहा अभी, तो सब में थोड़ी देर के लिए हायर करते निकाल देते हैं, पर ये वाला जो है ये वाला परमानेंट है। तो भाइयों जस्ट अभी मेरी जो है शिफ्ट ख़त्म हुई है यहाँ से, तो अभी जो है मेरे को यहाँ पे 1.5 घंटे के बाद वापस आना है, ठीक है, क्योंकि मेरे को 1.5 घंटे का ब्रेक है, तो 1.5 घंटे का ब्रेक चाहे मैं यहाँ पर यूज़ कर लूँ चाहे घर जाके यूज़ कर लूँ। घर जाना बेटर इसलिए रहता है क्योंकि जहाँ पे हमें काम मिलता है ना वो काम हमें हमारे घर के लोकेशन के पास ही मिलता है। यहाँ से मेरा घर जो है ना 9 मिनट के रास्ते में, मतलब अगर बस से जाओ तो 9 मिनट लगते हैं, अगर मतलब 3 किलोमीटर है यहाँ से टोटल, तो इसलिए जो है 1.5-2 घंटे का ब्रेक मिलता है और 2-2 घंटे की शिफ्टें होती है। तो बंदा अगर ये पूरा करे ना एक दिन में तो $90 कमा लेगा। तो भाई अगर आपको ये व्लॉग मतलब अच्छा लगा हो, की लगा हो भाई, मैंने कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दी हो, बढ़िया लगा हो, तो भाई प्लीज़ रिक्वेस्ट है कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि भाई मेरे को इससे मोटिवेशन मिलता है, आगे मैं आपके लिए ऐसे ही व्लॉग्स बनाऊँगा। तो भाई जल्दी से जाके अप्लाई करो इस जॉब के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू गाइज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।